हे व्हाट्सअप गाइस, जय हिंद जय भारत। वेलकम टू माय चैनल शैलेश उपाध्याय फिटनेस में, जहां हम फिट रहेंगे और आपको फिट रहना सिखाएंगे। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त शैलेश उपाध्याय। एक बार फिर से आज दोस्तों आप लोगों के लिए जिम के रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर। लेकिन दोस्तों ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल का बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में मैं फिटनेस रिलेटेड कोई भी वीडियोस अपलोड करूं तो टाइमली आप लोग पास नोटिफिकेशन चले जाए और आप लोग कोई भी मेरी वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सीधे आज के मेन टॉपिक पर। तो आज का ये टॉपिक है कि दोस्तों 1 तारीख से जिम रीओपन होने वाला है, ये डेट फिक्स हो चुकी है और कई स्टेट्स ने जिम रीओपनिंग के शुरुआत भी कर दी है और फाइनल डिसीजन भी आ गया है और अनाउंसमेंट भी कर दिया है गूगल पर, सभी न्यूज पर। लेकिन अब आप मुझे पूछते हो हर बार कि ये न्यूज आती कहाँ से दोस्तों। तो ये न्यूज सभी ऑफिशियल होती है, मैं वर्क करता हूँ उसके बाद न्यूज निकालता हूँ और आप लोग पास गूगल पे भी सर्च करने का ऑप्शन है। तो जाइए अहमदाबाद की जो न्यूज आई है उसको सर्च कीजिए और वो सर्च मैं आपको दिखाऊंगा, वो प्रूफ राइट साइड स्क्रीनिंग पर दिखेगा और उसके बाद अदर प्रूफ भी, जो जितने भी पेपर लेस प्रूफ है वो आपको मैं बताऊंगा स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब कि महाराष्ट्र, अब गुजरात और दिल्ली के बाद सभी स्टेट में जिम खुलने वाले हैं। लेकिन आप लोग बोलोगे कि भाई वो उसका डिसीजन कहाँ है, क्यों हमारी गवर्नमेंट, हमारे सीएम स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले पा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वही फैसला ले सकती है जिम यानी बंद बिजनेस जितने भी है जिम को लेकर। यहाँ बात जिम की नहीं हो रही है, पहले तो मैं आपको समझा दूँ, फेज अनलॉक 2 आ रहा है जिसमें होटल, फेज 1 अनलॉक 1 में होटल खुले थे, मॉल खुले थे, वो सब जो खुला था वो खुल गया था। लेकिन फेज 2 में जिम और जितने भी बिजनेस बंद है, सौरभ अढ़ावा आप भी सुनिए, डांस क्लासेस है, फिर सिनेमा हॉल्स है, फिर स्विमिंग पूल से सभी खुलने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है, उसका भी प्रूफ राइट साइड स्क्रीनिंग में दिखेगा कि हाँ फेज अनलॉक 2 में जितने भी बिजनेस बंद है उसको खोल दिया जाए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लास्ट फाइनल डिसीजन है। लेकिन उन्होंने फिर से छोड़ा है अपनी स्टेट गवर्नमेंट पे, जितने भी सीएम है वही फैसला फाइनल डिसीजन ले सकते हैं कि जिम या अदर बिजनेस कब खोलने हैं और कैसे खोलने हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सिक्किम में खुल गए, वहां पर लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई भी कोरोना केस जिम से नहीं फैल रहा। दूसरा सबसे बड़ा फैसला आया था, 29% रिकवरी रेट था तो भी महाराष्ट्र में डिसीजन लिया गया। तीसरा बोल रहे थे राजस्थान और दिल्ली, ये सब में भी कंफ्यूजन है लेकिन खुल जाएंगे, उसका भी 1-2 दिन में फाइनल डिसीजन आएगा। लेकिन हम लोग अहमदाबाद को भूल गए थे, कोई नाम नहीं ले रहा था, लेकिन मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कमेंट में कि अहमदाबाद में कब खुलेगा। तो जाइए सर्च कीजिए, अहमदाबाद में जिम खुल रहे हैं, 300 जिम है, 300 ही 300 जिम खुल जाएंगे 1 जुलाई से। स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पर, हमारे सीएम रूपाणी ने शायद तक डिसीजन ले लिया होगा फट से कि हाँ खोल दिया जाए, क्योंकि बहुत ही बेकारी बढ़ रही है। लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट क्या फैसला ले सकती है सभी स्टेट को, तो दोस्तों नर्वस ना होइए। किसी को नहीं मालूम था कि अहमदाबाद, मुंबई जैसे शहरों में भी जहां पे कोरोना के इतने सारे केसेस है, हाँ दो एक और स्टेट है, छोटे स्टेट मेघालय और नागालैंड में भी जिम खुल रहे हैं, वहां से भी एकदम 100% प्रूफ के साथ ये बात आई है। तो वहां के भी लोग एंजॉय कीजिए। लेकिन अब बड़े बड़े स्टेट पर बच्चे, चंडीगढ़, बिहार, यूपी, तो दोस्तों धीरे से फैसले लिए जाएंगे। 1 से 15 जुलाई के बीच में सभी जिम रीओपन हो जाएंगे, मैं गारंटी दे के देता हूँ आप लोगों को दोस्तों, विश्वास रखिएगा। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक इतनी मेहनत की है, प्रोटेस्ट से लेके क्या कुछ नहीं किया, इतने करीब हो के हमको हार नहीं माननी है। थोड़ा सा और वेट कीजिए, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि सभी को सोचने पर, थिंकिंग पर मजबूर कर रही है। ठीक है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है कि कोई भी बिजनेस बंद ना हो, क्योंकि उनको भी दुख हो रहा है कि ट्रेनर्स जो रास्ते पर रखा घूम रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनका रेंट चढ़ा जा रहा है, मतलब क्या कुछ नहीं झेल रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जिम खोला जाए, लेकिन अभी तक वो कंफ्यूज चल रही है कि कोरोना फैलेगा नहीं। तो सिक्किम ने, उन्होंने देख लिया है और जो स्टेट, बड़ी बड़ी स्टेट ने, गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है, उनको भी देख के धीरे धीरे, मेरे को तो लगता है दोस्तों एक रात नहीं, एक मिनट में भी फैसला आ सकता है कि हाँ सभी स्टेट ने जिम खोलने का फैसला ले लिया है। 1 से 15 तारीख के बीच में सभी जिम और अदर बिजनेस खुल जाएंगे। लेकिन मैं आपको 2 बैड न्यूज है बता देता हूँ कि वेस्ट बंगाल और पंजाब ने जो लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन उसमें भी दोस्तों गुड न्यूज एक छुपी हुई है कि उन्होंने जो गतिविधियां खोली थी वो सब खुली रहेंगी। तो मेरे को लगता है लॉकडाउन के बावजूद कहीं जिम खोल सकती है सरकार। आप निराश ना होइए, झारखंड, वेस्ट बंगाल और पंजाब वाले लोग, थोड़ा सा नर्वस ना होइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो दोस्तों आप लोग समझ गए ना, धीरे 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 फेज अनलॉक 2 में 1 से 15 तारीख के बीच जिम खुल जाएंगे। लेकिन अब आप कहां फंस रहे हो, जो लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, जो लोग क्लिक बीट कर रहे हैं, जो लोग अभी भी चुतियों का समझ नहीं आ रहा है कि जिम खुल रहे हैं उनको क्या करूं,
15% तो मेरे ही वोटिंग लिस्ट में है। अरे भाइयों, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ओनली राइट न्यूज है। आप लोग को प्रूफ भी दिखेगा, सभी प्रूफ मैंने एक एक करके इकट्ठे किए हैं। आप लोग पढ़िए, थोड़ा वीडियो को रोक के थोड़ा पढ़िए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट करता हूँ सभी अपडेट, तो ऐसा मत कीजिए। इससे पूरे 2,40,000 जो ट्रेनर्स है उनकी आशा और उनकी खुशी जुड़ी हुई है उनके माँ बाप के साथ। और शुक्रगुजार मैंने ये गवर्नमेंट से पहले गोरुमान सर जी का, जिन्होंने अपने जेब में से पैसा खर्चने के लिए बोल दिया है कि हाँ, जिम के जो ट्रेनर है जब तक जिम बन रहा है उधर तक की सैलरी मैं खुद दूंगा। तो सैल्यूट है एक बार गुरुमान सर जी को, जिनके सब्सक्राइबर 1.98 मिलियन सी है, उनको 10 मिलियन तक जाना चाहिए था। हम लोग ऐसे लोग को सपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं जो लोग हमारे लिए कुछ करते हैं। हम सपोर्ट करेंगे बीबी की वाइंस, बड़े बड़े जो कॉमेडी यूट्यूबर बनाते हैं जिससे कोई हमारा लेना देना नहीं, तो थोड़ा उनको भी सपोर्ट कीजिए, उनको भी उस लेवल तक पहुंचाइए जिसकी वजह से अगर वो ज्यादा कमाए होते और पैसा तो और अपनी जेब में से वो लोग डोनेट करते हैं जिम ट्रेनर्स के लिए। तो दोस्तों बहुत ही हम लोग करीब है, सिर्फ 15 दिन के बीच में सभी जिम रीओपन होंगे, लेकिन अहमदाबाद, महाराष्ट्र, मुंबई में आधे लोग अभी भी चूती है ऐसे भरे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि ये जिम का फैसला वापस ले लिया गया है। कौन सी न्यूज में, थोड़ा प्रूफ के साथ मुझे भी एक बार बताओ यार, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि फैसला डिसीजन वापस ले गया। 300 जिम खुलने वाले अहमदाबाद में, मेरे पास प्रूफ पड़ा है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। अब वो तो मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे मंत्री तो नहीं है विजय रूपाणी सर जी के, हाँ भाई विजय सर जी आप लोग जिम खोल दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। आधे लोग तो मुझे बोलते हैं कि तुम सीएम का तो पीए है क्या, तो आप लोग जाइए न्यूज देखिए उसके बाद मेरे पास आइएगा, ठीक है दोस्तों। मैं सबकी एक्सेप्ट करता हूँ, सबकी बातें एक्सेप्ट करता हूँ, सबको अपने हेटर्स को भी रिप्लाई देता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में ताला लगा हुआ है, जिस दिन ये ताला टूटा ना मेरे मुंह से तो आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को सपोर्ट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, जिम के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शायद तक इस टॉपिक पे लास्ट वीडियो हो सकती है, लेकिन एक गाइडलाइन जब आएगी तब वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे फिटनेस प्लान पर और सीधे हम लोग वर्कआउट की टिप्स आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।